हम सभी जानते हैं कि शूटिंग के समय कैमरा यूज होता है, लेकिन आजकल कई बार दो कैमरा सेटअप भी यूज होता है। जैसे इस समय तो मेरे पास सिंगल कैमरा सेटअप है, इस समय आप जो मुझे देख रहे हैं सिंगल कैमरा से देख रहे हैं, लेकिन जब ज्यादातर मैं इंटरव्यूज करता हूं तो कई बार डबल सेटअप कैमरा होता है। डबल सेटअप कैमरा कब कब यूज होता है, कैसे कैसे यूज हो सकता है एक परफॉर्मर के लिए और एक मेकर के लिए, इसके बारे में क्या क्या जानना जरूरी है, यही बताऊंगा आज के फिल्मी पंडे। जॉइंट फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इस चैनल को इसलिए कहा जाता है कि आपके मन में बॉलीवुड में एंट्री को लेकर जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, बस यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कीजिए और साथ में स्पेस देके जॉइन फिल्म्स टाइप कर दीजिए। आपको आपके क्वेश्चन के आंसर के रूप में यहां पर एक ना एक वीडियो तो जरूर मिलेगा, क्योंकि तकरीबन 2000 वीडियो अवेलेबल है जिससे सारे डाउट्स दूर हो सकते हैं और आप आसानी से बॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं। आज का टॉपिक है मल्टी सेटअप कैमरा कैसे शूट होता है, उसकी डिटेलिंग क्या क्या होती है, यही सब बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज का वीडियो नॉलेज से एकदम लबालब भरा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मल्टी सेटअप कैमरा कैसे होता है। जैसे मैच कैमरा, जितना पॉसिबल हो उतना सेम कैमरा ही यूज करना चाहिए इसमें, ताकि आपको जो फुटेज मिले वो बिल्कुल ठीक मिले और सभी फुटेज ओवरऑल नेचुरल लगे। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी 4K कैमरा से शूट कर रहे हैं, लेकिन कैमरा का ब्रांड अलग अलग है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हर कैमरे का अलग अलग कलर, लुक और फील होता है। दो अलग अलग ब्रांड के कैमरा यूज करना सही नहीं होता है। हाँ, अगर मजबूरी है, एक ही ब्रांड अवेलेबल नहीं है, तो शूट शुरू करने से पहले दोनों कैमरे की सेटिंग ऐसी रखें जिससे कि दोनों फुटेज मैच हो पाए। और अगर आपके कैमरा में लॉक प्रोफाइल है तो दोनों कैमरा में लॉक प्रोफाइल में ही शूट करें, जिससे पोस्ट प्रोडक्शन में दोनों फुटेज को मैच करना बहुत ही आसान होगा। दूसरा पॉइंट है कि कुछ चीजें जिनका शूट के समय ध्यान रखना है, वो है व्हाइट बैलेंस, फ्रेम रेट, शटर स्पीड, एक्सपोजर और पिक्चर प्रोफाइल, सभी कैमरा में सेम होना चाहिए। इसके अलावा कैमरा का रिजोल्यूशन का भी खास ध्यान रखें, यानी कि यदि 4K या 1080 या 720 जो भी हो, सभी कैमरों में उसी तरह की सेटिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको लेंस का भी ध्यान रखना है कि एक ही ब्रांड और लेवल के हों तो बेटर रहेगा। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है सिंक सेटिंग। शूट के बाद जब पोस्ट में फुटेज जाएगी तो एडिटर को उन्हें परफेक्ट टाइम कोड में सिंक करना होगा, जिससे सब एक साथ रियल टाइम में सिंक हो। तो इसके बहुत से तरीके हैं। कैमरा में ये टाइम कोड ऑन करें, जिससे एडिटर एडिट के टाइम पर टाइम कोड देखकर बहुत आसानी से सिंक कर लेगा। यदि ऑप्शन नहीं है तो एक सिंपल तरीका है क्लैप बोर्ड का। जब आप क्लैप करेंगे तो सभी कैमरों की फुटेज में क्लैप का साउंड आएगा और एडिटर उस साउंड के हिसाब से सिंक कर लेगा। यदि क्लैप बोर्ड नहीं है तो आप ताली बजाकर भी ऐसा कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वह है कवरेज या कैमरा पोजीशन। यदि आप किसी व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक कैमरा मिड क्लोज पर लॉक कर दीजिए और दूसरे कैमरा को फ्री रखिए, ताकि आप कट अवे शॉट, बॉडी लैंग्वेज और दूसरी डिटेल्स को कैप्चर कर सकें। हाँ, लेकिन ये सब डायरेक्टर DOP के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की शॉट लेना चाहते हैं। कोई एक कैमरा से मिड क्लोज पर फिक्स करके दूसरे कैमरा से क्लोज या मिड शॉट लेना चाहे, ये सब आपके कंटेंट और पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि आप दो कैरेक्टर्स के बीच बातचीत को शूट कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम सिंपली एक उदाहरण देते हैं। हमें दोनों कैरेक्टर्स के OS शॉट लेना है, मतलब ओवर द शोल्डर शॉट, एक मास्टर शॉट लेना है। तो हम कैमरे का सेटअप कुछ इस तरीके से करेंगे जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस सेटअप से आसानी से एक ही बार में दोनों कैरेक्टर के डायलॉग शूट हो जाएंगे। अब सोचिए, अगर हम इसे तीन कैमरों से शूट ना करके एक कैमरा से करते तो एक्टर्स को एक ही डायलॉग कितनी बार बोलना पड़ते। तो मल्टी कैमरा शूट से टाइम की काफ़ी बचत होती है, इसलिए TV सीरियल्स की शूटिंग मल्टी कैमरा सेटअप पे होती है। इसके अलावा जहां हम रीटेक नहीं ले सकते, जैसे इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट्री आदि में, उस तरह से शूट करना से बहुत आसानी हो जाती है। फिल्मों में ज़्यादा शूटिंग सिंगल कैमरे से होती है, कभी कभी डबल कैमरा सेटअप भी होता है, लेकिन सिंगल कैमरे से शूटिंग के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये होता है मल्टी सेटअप कैमरा। मल्टी सेटअप कैमरा रियलिटी शो में भी यूज होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कैमराज बहुत ज्यादा होते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक दो कैमरे जब आप यूज करते हैं, मतलब डबल सेटअप, तो कैसे यूज करते हैं। रियलिटी शो में अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे सेटअप किया जाता है, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा।
टीवी सीरियल्स में भी आजकल डबल सेटअप कैमरा बहुत यूज होता है क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम होता है, तो इस तरह के कैमरा सेटअप से काम जल्दी हो जाता है और आपको शॉट्स भी ज्यादा मिल जाते हैं सेम रियल टाइम में, तो एडिटर को भी आसानी हो जाती है। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी की नॉलेज बढ़ सके और सभी फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल कर सकें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I can.